हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी ट्रांसमिशन के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 24 जनवरी 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने ज़ीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अडानी ट्रांसमिशन में फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 1.33% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 2066.80 पे। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज यहाँ पे आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन स्टॉक में हुई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेज रेंज का हाई था 2141 और यहाँ पे 52 रेंज का भी हाई था 2141। मतलब आज के दिन फ्राइडे के दिन इस स्टॉक ने अपना जो है न्यू 52 हाई जो है वो बनाया है, जहाँ पे हमने आपको जो है पुराने वीडियोस में हमने कहा था कि ज़रूर ये कभी भी जो है हमें जनवरी में अच्छा खासा जो है एक पॉजिटिव मोमेंट दे सकता है और यहाँ पे 52 हाई जो क्रॉस करते हुए जाते हुए देखने मिल सकता। तो यहाँ पे आज के दिन कुछ ऐसा ही हमें फ्राइडे के दिन मतलब देखने मिला। बाकी यहाँ पे आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिला ज़रूर जो हम आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे और मंडे के फ्राइडे के क्लोजिंग वैसे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिला ज़रूर जो आपको यहाँ पे हमारा एक ओपिनियन देंगे और साथ ही साथ मंडे के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहाँ पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज सा मुझे वॉल्यूम देखने मिल रहा है और यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो एक स्मॉल टू मीडियम साइज की मैं कहूंगा तो कैंडल बनी है और दोनों साइड में हमें विक जो है बनती हुई देखने मिली है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई ओवरबॉट एरिया में जो आ चुका है 74-75 के आसपास जो घूम रहा है, जो यहाँ पे जरूर हमें एक डाउन साइड का इशारा देता है। लेकिन याद रखें आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करेंगे ओवरबॉट एरिया में आ चुका है मतलब यहाँ पे जरूर जो है हमें डाउन साइड तो देखने मिलने ही वाला है कहीं किसी ना किसी दिन। तो यहाँ पे जरूर स्टॉक जो थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेट होगा लेकिन हम जो है नेक्स्ट डे के लिए वो नहीं कह सकते हैं। बाकी यहाँ पे आने वाले दिनों के लिए हम जो हमारा ओपिनियन आपको यहाँ पे जरूर बताने वाले हैं। लेकिन याद रखिए आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हमको जो है दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं उसे भी जरूर कंसिडर करना चाहिए। जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देता है उसे हमें कंसिडर करते हुए जो अपना यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए। करंटली यहाँ पे मेरा ओपिनियन जो है अभी भी यहाँ पे मैं कहूँ तो एक पॉजिटिव है, लेकिन कुछ दिनों के लिए जरूर स्टॉक जो थोड़ा सा डाउन साइड जा सकता है 20 में 50 में के बहुत ही ज़्यादा दूर जो है करंटली स्टॉक जो हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन देखते हुए हमें 1930 तक स्टॉक जो है गिरते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन ये जो है गिरावट वो सारी की सारी टेम्प्रेरी रहने वाली है। मोमेंट जो है अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब अप ट्रेंड ही जो है वो चलने वाला है। तो यहाँ पे कोई उस बात का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अगर कभी भी डाउनसाइड देखने मिले तो जरूर जो आप यहाँ पे अपना जो है क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे अपना जो पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा जो है ये एनालाइज मतलब वन डे का आने वाले दिनों का जो है पसंद आया हो तो जरूर हमें जो है कमेंट करके बताना और इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी करना। बाकी यहाँ पे वन आर के चार्ट में हम जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि मंडे को स्टॉक में जो है हमें क्या देखने मिलने वाला है फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो ज़रूर अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोज़ मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहाँ पे देखते हैं मंडे के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस सारे के सारे मार्क्ड है। ये हमारा 1 आवर का चार्ट है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही कैंडल जो बनी थी उसी ने जो है यहाँ पे स्टॉक का 52 हाई जो है क्रॉस किया। तो ज़रूर हमें छोटा टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जो है हमें थोड़ा सा जाते हुए जो अपना यहाँ पे मार्किंग्स जो है यहाँ पे करना होगा। तो ज़रूर जो मैं उसका यूज़ करते हुए यहाँ पे मार्किंग्स कर लूँगा अगर आप चाहे तो, जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ सेम टू सेम आप भी जो है अपने चार्ट में जो मार्किंग कर सकते हैं कि ये सारी की सारी मार्किंग जो है वो हेल्प करेगी आपको यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन
करने में। तो यहाँ पे अपसाइड के लिए हमारे पास कोई डेटा नहीं है क्योंकि स्टॉक ने अपना 52 दिखाया जो अभी क्रॉस किया है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे साइकोलॉजिकल नंबर। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर आता है 2200 का। यहाँ पे हम जो है 50-50 का यूज करते हैं लेकिन 2140 का ऑलरेडी मार्क्ड है, तो यहाँ पे डेटा हमें देखने मिल रहा था इसलिए हम जो है 2200 का अपसाइड में ले लेंगे। तो यहाँ पे उसके ऊपर हम जो है 2250 का यहाँ पे मार्क करके रख देते हैं ताकि यहाँ पे ऐसा कोई इशू ना हो कि हमने मार्क ही आपको करके नहीं बताया। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर चार्ट में, चेंज करके बात करते हैं इसका स्टॉक का यहाँ पे क्लोजिंग के बारे में। तो क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्किंग तो सारी हो चुकी है, क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2066 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुए। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है हमारा 2063.55 पे, मतलब यहाँ पे आज के दिन क्लोजिंग जो अपने डायरेक्ट सपोर्ट से बहुत ही पास में जो है हमारी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें 2101 का यहाँ पे एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस, मतलब या फिर मैं कहूँ तो 2100 साइकोलॉजिकल नंबर हम पकड़ते हैं तो 2100 हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मंडे के लिए बनता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे आपको अपना ट्रेड लेना है। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले आप सभी को इम्पोर्टेंट दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं मंडे के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट यहाँ पे बहुत ही नज़दीक में है जो है यहाँ पे 2040 का, उसके बाद का यहाँ पे सपोर्ट आता है 2000 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस आता है 2140 और उसके बाद का यहाँ पे आता है हमारा साइकोलॉजिकल नंबर जो है यहाँ पे 2200 का। तो यहाँ पे मैंने आपको दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जो है वो बता दिए, जरूर जो उसी को कंसीडर में रखते हुए जो यहाँ पे आपको जो है मंडे के दिन ट्रेड करना है। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे जिस तरह से मैंने कहा था कि बहुत ही पास में डायरेक्ट सपोर्ट के पास में जो क्लोजिंग हुआ है तो यहाँ पे उसकी वजह से हमें प्री ओपन मार्केट में मतलब 9:15 से 9:15 के बीच में मंडे के दिन ये स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करता है, मतलब गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे अगर गैप डाउन हुआ तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है आपको मौका मिल सकता है यहाँ पे डाउनसाइड का। और हमारा भी ओपिनियन यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्लाइटली यहाँ पे जो है एक तरह से जो है पॉजिटिव का है लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल भी है। न्यूट्रल मतलब हमें जो है 1% या तो पॉजिटिव या तो 1% नेगेटिव हमें देखने मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते ये जो छोटा सा गैप है डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट का वो उसी बीच में हमें लगता है कल के दिन हमें जो है मतलब मंडे के दिन क्लोजिंग देखने मिल सकती है, मतलब इसी बीच में हमें क्लोजिंग आते हुए देखने मिलने वाले, मतलब हमारा जो है एक इंक्लाइन जो है थोड़ा सा स्लाइट नेगेटिव का है। आपका क्या ओपिनियन है हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर यहाँ पे 2040 को क्रॉस करते हुए स्टॉक नीचे गया तो यहाँ पे बड़ा आपको डाउनसाइड देखने मिल सकता है। ज़रूर कंफर्मेशन हम कैंडल को देखेंगे फिर ही यहाँ पे अपना जो है डाउनसाइड के लिए ट्रेड लेंगे। करंटली हमारा ओपिनियन स्लाइटली यहाँ पे जो है नेगेटिव का है। आपका क्या ओपिनियन हमें ज़रूर कमेंट करके बताना और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।